लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वीट पोंगल बनाएंगे जो संक्रांत के लिए बनता है। ये उसके साहित्य। सबसे पहले हम एक छोटा ग्लास भरकर राइस लेंगे, या आप कप, जो भी आपको मेजरमेंट के लिए लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। से अच्छे से एक दो बार वॉश कर ले और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख लें। फिर यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच मूंग दाल लिया है, इसे भी वॉश कर कर भिगो कर रखें आधे घंटे के लिए। फिर एक बड़ा सा डीप पैन ले ले, उसमें 4 ग्लास पानी और 2 ग्लास दूध डालें। जो ग्लास से हमने राइस मेजर किया है वही ग्लास यूज़ करना है। इसमें एक उबाल आने दे। जो भिगो कर रखा था राइस वो इसमें डालें। साथ ही दाल जो भिगो कर रखा था, मूंग दाल, वो भी डालें। अच्छे से मिलाए। इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में आप इसे ढक्कन निकालकर अच्छे से मिक्स करें। से पूरा 15 से 20 मिनट लगता है पकने में, एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है। हमारे दाल और राइस दोनों अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें किसा हुआ गुड़ डालेंगे। ये 2 कप का गुड़ है, 2 ग्लास, जिस ग्लास से हमने राइस मेजर किया था। गुड़ अच्छे से मेल्ट होने तक इसे पकाए। मिक्स करें और ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकने दें। ढक्कन निकाल कर चेक करेंगे, गुड़ एकदम अच्छे से राइस के साथ मिक्स हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और तड़का पैन लेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी को पिघलने दें। और ये सूखे नारियल का मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर कर डाला है, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है पोंगल में। अगर जिनके पास फ्रेश नारियल है वो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। काजू और किशमिश 2-2 चम्मच ऐड करें और इसे अच्छे से घी में फ्राई होने दें। अब इसे हम राइस में ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ा सा इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर ले और स्टोव ऑफ कर ले। हमारा स्वीट पोंगल मकर संक्रांत स्पेशल डिश तैयार है भगवान के लिए। ये साउथ इंडियन में नैवेद्य के हिसाब से इसमें बनाते हैं।
बस अब इसमें हम सर्व कर लेंगे। स्वीट पोंगल बनकर तैयार है। आप लोग सब लोग जरूर बनाकर इसे अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।